हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि साहू, योर इंग्लिश टीचर, क्लास फोर्थ। आज मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन मींस स्वयं का परिचय देना बताऊंगी। आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले जब आप अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले आपको विश करना होता है, ग्रीट करनी होता है, जैसे कि हेलो एवरीवन या हेलो एवरीबॉडी। फिर आप अपना नाम बताएंगे, आई एम सिमरन फ्रॉम सलोन। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेम दिया है सिमरन एंड उसका एड्रेस सलोन, तो वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे एंड फ्रॉम सलोन मीन्स यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आई एम अ गर्ल बॉय, यहाँ पे हम सिमरन एक लड़की है तो मैंने यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है। अगर आप एक लड़के हो तो आप यहाँ पे आई एम ए बॉय लिखोगे। आई एम 7 years old, यहाँ पे मैंने 7 years लिखा है तो यहाँ पे आपकी एज जितनी है, आप 8 आपकी एज 8 years है तो आप 8 years लिखोगे। 9 years एज है आपकी तो 9 years एज लिखोगे। यहाँ पे आपकी जितनी एज होगी यहाँ पे आप लिख सकते हो। आई स्टडी इन क्लास 4th इन मॉडर्न पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज विच इज सिचुएटेड एट जगतपुर रोड सलोन रायबरेली। मैंने यहाँ पे क्लास 4th लिखा है और यहाँ पे आप क्लास 4th में हो तो 4th लिखोगे, 5 में हो तो 5 में लिखोगे और 6 में हो तो 6 लिखोगे। ओके, माय फादर मिस्टर, यहाँ पे आप अपने पापा का नाम लिखोगे। इज अ बिजनेसमैन, वो यदि एक उनका प्रोफेशन क्या है, वो बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन लिखोगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखोगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखोगे, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखोगे, या फिर शॉपकीपर है तो आप शॉपकीपर लिखोगे, जो उनका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। माई मदर मिसेज, यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिखना है। इज अ हाउस वाइफ, टीचर, डॉक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो यहाँ पे आपकी मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ लिखोगे, टीचर है तो टीचर लिखोगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मम्मी आपकी जैसे कुछ नहीं करती हैं तो वो हाउस वाइफ हो जाएंगी, तो यहाँ पे वो आप हाउस वाइफ लिखोगे। ओके, अब आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश हिंदी मैथ्स, यहाँ पे मैंने लिखा है मुझे हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पे आपको और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको पढ़ना पसंद हो तो वही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई लाइक रीडिंग बुक्स, सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग बैडमिंटन्स, यहाँ पे मुझे पसंद है बुक्स पढ़ना, या फिर आप सिंगिंग करना पसंद है सिंगिंग लिख सकते हो, डांसिंग करना आपको पसंद है डांसिंग लिख सकते हो आप, एंड प्लेइंग बैडमिंटन, यहाँ पे बैडमिंटन की जगह आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट लिख सकते हैं। ओके, आई लाइक वॉचिंग कार्टून एंड माई फेवरेट करेक्टर इज डोरेमोन, मुझे कार्टून देखना पसंद है और मुझे करेक्टर जो है डोरेमोन का करेक्टर अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट करेक्टर है, तो यहाँ पे आप डोरेमोन की जगह आपको जो करेक्टर पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, माई ड्रीम इज टू बी बिकम ए डॉक्टर एंड टू सर्व द नीडी एंड पुअर पीपल, यहाँ पे मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं और जरूरतमंदों की और गरीबों की सेवा करूं, तो यहाँ पे आपको जो सही लगता है, जो आप बनना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। एट एंड में, आई एम एन इंडियन एंड आई लव माई कंट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसको बोल के बताती हूँ कि आपको बोलना कैसे है। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन फ्रॉम सलोन, आई एम ए गर्ल, आई एम 7 years old, आई स्टडी इन क्लास 4th इन मॉडर्न पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज विच इज सिचुएटेड एट जगतपुर रोड सलोन रायबरेली। माई फादर मिस्टर इज बिजनेस मैन, माई मदर मिसिस इज अ हाउस वाइफ, आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश हिंदी मैथ्स, आई लाइक टू रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग बैडमिंटन्स, आई वॉचिंग कार्टून एंड माई फेवरेट करेक्टर इज डोरेमोन, माई ड्रीम इज टू बी बिकम ए डॉक्टर एंड टू सर्व द नीडी एंड पुअर पीपल, आई एम एन इंडियन एंड आई लव माई कंट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से लिखना है और इसको अच्छे से इसकी लर्न करना है इसको और इसकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।